हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू IHM सॉल्यूशन पॉइंट। यहाँ पे होटल मैनेजमेंट स्टूडेंट्स की पूरी तरह से हेल्प की जाती है और नो नॉनसेंस वीडियो बनाई जाती है। कोई छोटी छोटी शॉर्ट क्लिप्स की टाइप की वीडियो नहीं बनाता हूँ। यहाँ पे आपको सारी इंफॉर्मेटिव और लॉजिकली बेस्ड वीडियोस देखने को मिलेंगी काफ़ी हद तक। तो सबसे पहले दोस्तों, ये बहुत सारी क्वेरी आ रही है कि हमारे रिजल्ट्स जो हैं वो कब तक आएंगे, ठीक है। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि देखो, जो लास्ट ईयर है NCHM JEE 2022 का एग्ज़ाम है, वो देखो रजिस्ट्रेशन 4 से 16 मई तक हुए थे और एडमिट कार्ड जो है वो 14 से 18 जून को आ गए थे और एग्ज़ाम आपका 18 जून को लिया गया था। और इसका जो रिजल्ट्स है वो आपको मैं अभी दिखा देता हूँ। आपके जो रिजल्ट्स हैं वो पब्लिश हुए थे, ये देखो यहाँ पर ऑफिशियल साइट से देखेंगे। आप एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि कोई भी NCHM से रिलेटेड अपडेट के लिए आप nchmcounseling.nic.in, ये जो आप वेबसाइट देख रहे हैं इसको फॉलो करते रहिए। दिन में एक बार ज़रूर इस पर विज़िट करें, कोई भी लेटेस्ट अपडेट आ रही है नहीं आ रही है आपके एडमिशन से रिलेटेड। यहाँ पर बहुत सारी यू नो अपडेट्स आपको दी जाएंगी। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, यहाँ पर जो आप डेट देख पा रहे हो कि NCHM JEE रिज़ल्ट 2022, ये आपका 21 जुलाई 5:33 सुबह, यानी कि 18 जून को आपका एग्ज़ाम हुआ है और आपका जो रिज़ल्ट है वो आपका 21 जुलाई को आया है, यानी कि 1 मंथ के करीब जो है आपको रिज़ल्ट के आने में इतना टाइम लग गया। ओके, तो इसके लिए आप अपने आप आइडिया लगा सकते हैं कि कम से कम 3 to 4 weeks तो लगेंगे आपके रिज़ल्ट आने में। जैसे कि 2023 का देखो तो 14 मई को आपके एग्ज़ाम हुए हैं, ठीक है। तो 14 मई को जो आपके एग्ज़ाम हुए हैं तो आपका जो रिज़ल्ट है वो एक्सपेक्टेड है कि जून के करीब आएगा, या तो फर्स्ट वीक में या फिर सेकंड वीक तक तो 100% आना ही आना है, ठीक है। तो ये बात हो गई कि रिज़ल्ट आपके कब तक आएंगे। ओके, अब हम बात करते हैं कि आपके रिज़ल्ट जब आ जाएंगे तब आपको उसके बाद क्या करना है। ओके, जब आपके रिज़ल्ट आएंगे तो आप काउंसलिंग के लिए तभी जा सकते हैं, जो मैंने आपको वेबसाइट दिखाई NCHM काउंसलिंग, इसके अंदर आप लोग जा करके आपको 2000 रुपये जो है वो सबमिट करने पड़ेंगे, ठीक है, काउंसलिंग को स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। काउंसलिंग का शेड्यूल भी जो होता है वो भी जिस तरह से है वो मैं आपको वीडियो बना के बताऊँगा। तो सभी तरह की हेल्प पाने के लिए वीडियो को अभी सब्सक्राइब करो जाके, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको देखने को मिलेगी और थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन आपको सारी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ओके, तो इसके बाद हम देख लेते हैं कि यहाँ पर जो रिज़ल्ट आए थे वो NCHM JEE के जो रिज़ल्ट थे वो क्या थे। ओके, तो ये देखो यहाँ पर ये साइट पे आप लोग जो 2022 में जिन स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दिया था वो अपना एप्लीकेशन नंबर इस तरह से डालते हैं, डेट ऑफ बर्थ डालते हैं, और उसके बाद सबमिट करने के बाद उनका जो रिज़ल्ट है वो लोग देख सकते हैं। तो आपका भी इसी तरह से 2023 में आएगा रिज़ल्ट, तो आप यहाँ पर आके वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। ओके, तो इस तरह से ये थी आपकी रिज़ल्ट की अपडेट। अब मैं और भी काफ़ी वीडियोस बनाने वाला हूँ, फटाफट चैनल को अभी के अभी जाके सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।